AI, तो जब से AI एरा चालू हुआ है, यहाँ एक AI एरा चालू हो चुका है। मेरे को ऐसा लगता है जब से चैट जीपीटी आया है तब से आई थिंक सो AI एरा जो है स्टार्ट हो चुका है। तो जब हमारे पास चैट जीपीटी नामक एक AI बॉट आया था, तब थोड़ा सा उसने माहौल को गर्म किया था और लोगों को लगा था कि अब भाई कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग फील्ड में या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में AI तहलका मचाने वाला है और जॉब की कमी होने वाली है चैट जीपीटी की वजह से। बट ऐसा नहीं हो पाया कई सारे रीजंस की वजह से, और ऐसा हो भी नहीं सकता है जितना मेरे को लगता है। बिकॉज AI क्या है, जो आप उसको जितना ट्रेन करोगे वो उतना ही काम कर सकता है। परफेक्टली करता है क्या? मेरे को तो इतना नहीं लगता कि वो एकदम एग्जैक्ट एज इट इज कोड देता है हमको, एकदम परफेक्टली काम करता है। कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ बग्स रहते हैं। और बात किया जाए फिर चैट जीपीटी के बाद आए कुछ और AI, जैसे कि को पायलट आया और फिर गिटहब का को पायलट आया, फिर स्नैपचैट के पास भी खुद का एक AI आया, बहुत सारे AI आए, बट इनने उतना तहलका नहीं बचाया है जितना अब आया एक नया AI जिसका नाम है द फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन। इसने जिस प्रकार से क्रेज बनाया है ना मार्केट में, तो लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं इस AI से, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। कई लोग तो अब ये भी बोलने लगे कि डेविन AI आ चुका है, अब जॉब की कहीं ना कहीं कमी होने वाली। तो इसका मेरे को जो आंसर लगता है ना, इसका आंसर हाँ हो सकता है। एट दैट पॉइंट मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि देखो डेविन AI अभी तक तो रिलीज नहीं हुआ है मार्केट प्लेस में, मेरे को लगता है इंडिया में नहीं, आउट ऑफ द कंट्री रिलीज हुआ है कि नहीं मेरे को कंफर्म नहीं मालूम। उसके वेबसाइट में आ चुका है, मैंने क्योंकि चेकआउट किया था बट वहां पर मैं रजिस्टर नहीं कर पा रहा था, मेरे को लगता है इंडिया में अभी तक नहीं आएगी। तो जैसा डेविन AI का वीडियोस उनके डेवलपर ने पोस्ट किया था यूट्यूब पे, मैंने जो देखा कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके पास खुद का कोड एडिटर है, खुद का ब्राउजर है, खुद का टर्मिनल है और सब कुछ खुद का है उसके पास। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा डराने की बात है। अब देखो जॉब जाने की बात जो है ना, जो बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि भाई डेविन को जैसे जॉब जा सकती है, तो इसका कहीं ना कहीं मेरे को आंसर हाँ लगता है। देखो किनका जॉब जा सकता है कि भाई, अब आप ये नहीं बोल सकते जो एक्सपर्ट डेवलपर्स हैं या तो जिनके पास एक्सपीरियंस है 5 से 6 साल का, 8 से 9 साल का, 10 से 12 साल का, उनको रिप्लेस करेगा क्या डेविन? ये बिल्कुल नहीं, उनको तो कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, कभी ऐसा मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे ज्योतिष तो हूं नहीं। डेविन किन्हें रिप्लेस कर सकता है? जिनके पास स्किल्स की कमी है, जिनके पास एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज की कमी है, मतलब कि जिनके पास एक बेसिक डेवलपर का मैं लेना चाहता हूँ, टारगेट करना चाहता हूँ, मैं बेसिक डेवलपर की बात करता हूँ, जो कि मतलब काम स्लो कर रहे हैं और मे बी उनका काम भी अच्छा नहीं है बट वो कंपनी में है, उनका मेरे को लगता है जॉब जा सकता है। बिकॉज देखो अगर मैं कोई कंपनी का ओनर हूं, मैं कोई कंपनी रन करता हूँ, दैट इज से मैं समझ लो यूट्यूब ही रन करता हूँ, तो मैं वहां पर जब कई सारे डेवलपर्स को रखूंगा और मैं सबको सैलरी दूंगा 30,000 40,000 एट दैट पॉइंट बता रहा हूँ, तो मैं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में, जैसे समझ लो कोई डिपार्टमेंट है उसमें 40 बंदे काम कर रहे हैं और सबकी तनख्वाह 30,000 है महीने की, उसमें कुछ बेसिक है कुछ प्रो लेवल डेवलपर्स हैं। जब डेविन आया है तो मैं तो इंटरेस्टेड रहूंगा कि डेविन को ले लूँ, क्यों? क्योंकि वो एक AI है, ऊपर से वो काम कर सकता है जो मेरे डेवलपर कर रहे हैं, वो काम आराम से कर रहा है। और देखो सब्सक्रिप्शन की बात आई तो डेविन का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे लोग, मे बी 5,000 6,000 एटलीस्ट 10,000 तक जाएगा, बट देखो 30,000 का बात हो एक जन के पीछे, तो वहां पर मेरे को लगता है मैं डेविन को लूंगा और बेसिक डेवलपर को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं डेविन के द्वारा, बट मैं कोई हायर डेवलपर को नहीं रिप्लेस करवा सकूंगा डेविन के जगह पर, मेरे को ऐसा लगता है। और देखो मेरे को डेविन की पावर्स के बारे में एकदम कंफर्मेशन नहीं है, जब डेविन इंडिया में उपलब्ध होगा तो मेरे को बस एक ही चीज करना है, वो ये रहेगा कि मैं डेविन को बोलने वाला हूँ मेरे लिए प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दे, अमेजोन टाइप वेबसाइट में बात कर रहा हूँ, और मेरे को एक ब्लॉगिंग वेबसाइट भी बना के दिखाए, क्योंकि ये जो चीज होता है ये बहुत ही बड़ा काम होता है। एक प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट अगर उसने बना दिया तब भाई माइंड ब्लोइंग, तब बात है भाई, डेविन में कुछ तो बात है, वो थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा पावरफुल AI हो सकता है। तो बात रही, बहुत लोग अभी मेडिकल फील्ड में भी शिफ्ट हो रहे चाहते हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कई सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं और कुछ मेरे
ODM आया है कि भाई अब जब डेविन आ चुका है, चैट जीपीटी आ गया है, एआई एरा स्टार्ट हो गया है, तो अब कहीं ना कहीं हमें वेब डेवलप अब कहीं ना कहीं हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ड्रॉप करना चाहिए, हमें मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए, कई लोग ऐसा कह रहे हैं। तो देखो मैं ये बोल नहीं सकता कि हाँ भाई मेडिकल फील्ड अभी सेफ है, मैं कुछ कह नहीं सकता। हमने आज से पहले कभी सोचा नहीं था, आज से 5 साल पहले मैंने या तो कोई भी डेवलपर ने ये नहीं सोचा होगा कि भाई एक चैट जीपीटी जैसा एआई आएगा, या तो एक डेविन जैसा एआई आएगा जो इतना क्रेज बनाएगा। वैसे मेडिकल फील्ड में भी मेरे को लगता है एक एआई आएगा और कहीं ना कहीं वो डेवलप होता होगा, कोई ना कोई कंपनी डेवलप कर रही होगी, मैं लिख के दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो डेवलप हो रहा होगा ऐसा डॉक्टर एआई मेडिकल फील्ड के लिए कि भाई आपके मोबाइल फोन के अंदर, इस वाले मोबाइल फोन के अंदर एक डॉक्टर को फिट कर देंगे उन लोग, भाई 24/7 वो आपके ऊपर निगरानी रखेगा और आपके हर एक टास्क को वो देखेगा, आप क्या कर रहे हो, कैसे क्या परफॉर्म कर रहे हो, वो हर एक चीज के आपको देखता रहेगा 24/7। कुछ पेड अमाउंट रहेगा, उसके बाद आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड भी अब मेरे को सेवर पॉइंट पे नहीं लग रहा है, जो लोग स्विच होना चाहते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि भाई मेडिकल फील्ड में भी एआई आएगा, क्योंकि अभी एआई एरा स्टार्ट हुआ है, हर एक फील्ड में कोई ना कोई एआई आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, एआई आ रहा है, मार्क माय वर्ड्स में जो बोल रहा हूँ, मेडिकल फील्ड में भी एक एआई आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ कि आने वाले 5 साल में या तो आने वाले 2 साल में ऐसा कोई एक एआई आएगा कि जो मेडिकल फील्ड में भी तहलका मचा सकता है। हम कुछ बोल नहीं सकता, मैं कोई ज्योतिषी हूं नहीं, मैं एक एक्सपेक्टेशन दे रहा हूँ अपना, एक सोच रख रहा हूँ अपने आपके सामने, बस मैं ये बोलना चाहता हूँ। जो लोग भाई बोल रहे हैं इंजीनियरिंग फील्ड में भी है नहीं, मतलब सब इंजीनियरिंग में हमको भी क्या ही फायदा, जब डेविन आ गया, चैट जीपीटी आ गया, तो मेडिकल फील्ड में शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये ख्याल मेरे मन में भी आया था, बट मैंने जब ये सोचा तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं आ सकता है यार, हम बोल नहीं सकते कुछ, तो मेरी बात ये भी है। और बहुत लोग अब वेब डेवलपमेंट सीखना बंद कर दिए, मेरे पास कई सारे डीएम है कि भाई अब हम लोग वेब डेवलपमेंट नहीं सीखना चाहते हैं, हमें वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट बिल्ड करना नहीं सीखना है, क्योंकि एआई जीपीटी और डेविन हमारे लिए काम कर देगा, डेविन कर रहा है, तो क्यों लोग आएंगे मेरे पास। मतलब भाई कुछ फ्रीलांसर्स भी हैं जो मेरे को पूछ रहे थे कि भाई अब कहीं ना कहीं फ्रीलांसिंग की जॉब में भी कमी होने वाली है, मतलब फ्रीलांसिंग में भी कुछ लोचा हो सकता है कि डेविन की वजह से या तो चैट जीपीटी की वजह से हमको नहीं मिलेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने को। तो देखो कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि डेविन हुआ या चैट जीपीटी हुआ, मैं एआई बोल रहा हूँ सीधा, एआई बैकएंड पे तो काम कर सकता है अच्छे से, बैकएंड को ये परफॉर्म कर सकते हैं, बट एट द पॉइंट फ्रंट एंड की बात की जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं एआई अभी भी बिछड़ा हुआ सा है, क्योंकि एआई के पास एक अच्छा लुक नहीं देता है वो वेबसाइट, एआई एक अच्छा लुक नहीं दे पा रहा है अपने वेबसाइट को, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा है चैट जीपीटी से हमने भी कई सारे वेबसाइट बनाए हैं, मैंने भी चैट जीपीटी से कई सारे वेबसाइट बनवाता रहता हूँ, कभी टास्क देता रहता हूँ, मैं काम करते हुए अपने चैट जीपीटी को इस्तेमाल करता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को अच्छा सा इंटरफेस नहीं देता, अच्छा सा डिजाइन नहीं दे पाता है, वो एबिलिटी अभी तक एआई के पास नहीं आई हुई, वो एबिलिटी केवल और केवल ह्यूमन बींग के अंदर है कि वो बता सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज अच्छा लगेगा, इसका ये कलर अच्छा लग रहा है, बटन यहाँ होना चाहिए, नैब बार यहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं अभी भी इस चीज में एआई बिछड़ा हुआ है। अगर एआई इसमें भी आगे जाके उत्पत्ति पाता है तो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा डर रहेगा, पर मैं कुछ बोल नहीं सकता आने वाला 2 से 3 साल कैसा होने वाला है, जब डेविन आ चुका है अभी तो, पर जैसे ही डेविन मेरे पास आएगा मैं तो बस यही चीज ट्राई करने वाला हूँ, और इसका वीडियो भी आपके पास आएगा कि डेविन इस चीज में फेल होता है या पास होता है, बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल होने वाला है ये चीज। और डरो मत एआई से, मैं तो कहना चाहता हूँ एआई को आप अपने वर्कफ्लो में इंटीग्रेट करो, एआई के द्वारा आप काम करो, क्योंकि एआई से डर के अब कुछ फायदा नहीं, अब जो हो चुका है हो चुका है, कुछ कर नहीं सकते इसके लिए। और मैं कहना चाहता हूँ आप वेब डेवलपमेंट सीखते रहो, और भी कई सारे नए नए चीज सीखते रहो, आप काम करते रहो अपने कोडिंग स्किल्स पे, क्योंकि स्किल्स मैटर करता है, आपके पास स्किल्स भी रहनी चाहिए, डिग्री विग्री तो है, तो सीखना मत बंद करो, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। अरे एआई से जितना हो उतना कम डरो, उसको कम मत परखो, मतलब भाई उसको कम मत समझना, एआई को कम मत समझना, वो कर सकता है बहुत कुछ कर सकता है, बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि
एआई से डरो मत, आप लोग अपना काम करते रहो, वेबसाइट बिल्ड करते रहो, प्रोजेक्ट बिल्ड करते रहो, क्योंकि अभी तक इंडिया में एआई नहीं आया है, तो टेंशन की बात नहीं है। अभी तक इंडिया में डेविन एआई नहीं आया है तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बार लॉगिन करने का ट्राई कर रहा हूँ, वो यहाँ पर अभी उपलब्ध नहीं है। और रही बात बाहर देश की, तो भी तो मुझे कंफर्म नहीं मालूम है, मैं खुद थोड़ा सा डरा था लेवल से। और देखो मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, अभी मैंने खुद 12th का बोर्ड दिया है, इस साल 2024 में मैंने 12th का बोर्ड दिया है। तो मैं भी अभी यही सोचा कि अब देखो, मैंने जो बात आपको बोला था ना मेडिकल फील्ड का, मैंने खुद ने सोचा कि अब मेरे को लगता है कि मेडिकल फील्ड में मेरे को स्विच हो जाना चाहिए, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्विच, मैं स्विच नहीं होने वाला हूँ मेडिकल फील्ड में। जब मैंने ये बात को सोचा कि भाई कहीं ना कहीं उसमें भी तो एक एआई आएगा ना, क्या मालूम उस एआई की वजह से मेरी नौकरी खत्म हो सके, तो इसके लिए मैं कुछ ऐसा बोल नहीं सकता कि, बट देखो मेरे को ये इतना मैं तो सोच रहा हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि 2030 तक मेरे को लगता है एआई पूरी तरीके से कैप्चर नहीं करने वाला मार्केट को, क्योंकि अभी एआई डेवलप हो रहा है, धीरे 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 डेवलप होते जा रहा है। मेरे को नहीं लगता 2030 तक, या तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, 2025 तक भी कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। और रही बात कि अभी हमको क्या चीज सीखना चाहिए इस कंडीशन को देखते हुए, तो मैं तो आपको प्रेफर करता हूँ कि आप अब जो है एआई डेवलपमेंट सीखना शुरू करो, और मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सब सीखना शुरू करना पड़ेगा अब हमको भी। और मैं ट्राई करूंगा कि अपने इस चैनल को पे आपको ये सब चीज फ्री में उपलब्ध करवा सकूं, मैं कुछ करता हूँ इसके लिए भी। और क्योंकि अभी ये चीज डिमांडेड होने वाली है, जब एआई एरा स्टार्ट हो चुका है तो ये चीज अभी माइंड ब्लोइंग होने वाली है, बहुत ज्यादा डिमांडेड होने वाला है। और पैकेज की बात की जाए तो इसमें तो हार देगा ये पैकेज। तो एआई डेवलपमेंट हुआ, मशीन लर्निंग हुआ, डेटा साइंस हुआ, ये सब अब खतरनाक होने वाला है भाई अभी इस फील्ड में, क्योंकि अभी भी इंडिया में कहीं ना कहीं ये सब चीज अभी भी मतलब इसके डेवलपर्स कम है इंडिया में, और शायद बाहर कंट्री में भी इसके डेवलपर्स कम है, एआई डेवलपर के और डेटा साइंटिस्ट और मेरे ख्याल से मशीन लर्नर्स कम है। अब मैं एकदम कंफर्म नहीं जानता, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं जानता हूँ, मैं आपके साथ अपना शेयर कर रहा हूँ, मेरे रिस्पॉन्स शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो आई होप आप समझ गए होगे, आई होप आप समझ गए होगे कि क्या करना है आपको इस साल। और एआई से मत डरो, अपना काम करते रहो, वेब डेवलपमेंट सीखते रहो, जो भी आप सीख रहे हो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो या पाइथन डेवलपमेंट हो या वेब डेवलपमेंट हो, जो भी आप सीख रहे हो ना उसको सीखते रहो, स्किल्स अपनी डेवलप करते रहो, कोई भी चीज को कहीं ऑन द स्पॉट ड्रॉप ना ही करो। और रही बात एआई डेवलपमेंट की, मतलब एआई कोर्स और मशीन लर्निंग, ये सब मैं अपने चैनल पे लाने वाला हूँ, बहुत ही जल्द लाने की कोशिश करूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, आर्यन भाई आपके साथ है। तो वीडियो को इसी बात पे लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अपने किसी अगले वीडियो में, या वो मेरा वेब डेवलपमेंट का वीडियो होने वाला है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, मैं अभी भी आपका डाउट क्लियर करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर।